फैजाबाद लोकसभा में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो मुकाबला है समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के बीच में है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सीपीआई ने यहाँ पर अरविंद सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अरविंद सिंह यादव के जो पिताजी हैं थे मिसेन यादव जी, यहाँ से सांसद थे, पहले विधायक थे सीपीआई से, बाद में सांसद बने, सपा में रहे, बसपा में रहे, फिर सपा में गए, तो एक लंबी उनकी विरासत है राजनीति यहाँ पर। ऐसे वक्त में हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि जब चुनाव दो ध्रुवी हो रहा है, ऐसे में आपने सीपीआई ही क्यों चुना? देखिए सीपीआई धर्मनिरपेक्ष है, आज की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं धर्म से, जाति से, पैसे से प्रभावित है। आज राजनीति जो है इन्हीं तीन चीज़ों की दासी बन चुकी है और इसी परिवेश में आज का चाहे चुनावी समीकरण हो, चाहे क्या कहते हैं धार्मिक समीकरण हो, धर्म को राजनीति से जोड़ करके, अर्थ को राजनीति से जोड़ करके और जाति को राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति है वो धर्म और जाति और अर्थ से दूर है, क्योंकि बाबूजी की पृष्ठभूमि और बाबूजी की पहचान कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से हुई थी और बाबूजी आज भी कम्युनिस्ट नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए उनकी छाती को सुरक्षित करने के लिए और जो हमारी पुरातन अमानत है उसको सुरक्षित करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे उसी परिवेश में जाना चाहिए जहाँ से बाबूजी ने राजनीति शुरू किया था। एक बड़ा सवाल ये होता है कि अभी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मेरी बहुत सारे लोगों से उनसे बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है, तो वो लोग आरोप लगा रहे थे कि मतलब जब उन्होंने सुना कि उम्मीदवारी आप उम्मीदवार हो रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई दलित उम्मीदवार उतार दिया सामान्य सीट पर तो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये देखिए उस पर वो उनके मुखिया का निर्णय है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं चुनाव अपने और अपनी पार्टी और अपने सिद्धांतों और अपनी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में लड़ रहा हूँ। कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, किस जाति का है, किस धर्म का है और किस आर्थिक शक्ति का, उससे मुझे कुछ कोई लेना देना नहीं है। मैं चुनाव अपने सिद्धांतों पर, अपनी नीतियों पर और आम आवाम के लिए, गरीब जनता की रहनुमाई के लिए, जो कि आज कहीं ना कहीं छली जा रही है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पैसे के नाम पे, लोभ के रूप में, तो वो उसके सापेक्ष मैंने निर्णय लिया चुनाव लड़ने का, ना कि क्या कहते हैं कौन कैंडिडेट कैसा है और कौन के उसके उसका जातीय समीकरण क्या है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो मुकाबले में आप कैसे देख रहे हो? मुकाबले में मैं अपने आप को सीधे सीधे अपनी लड़ाई भाजपा से पा रहा हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इतना जरूर कहूँगा कि कहीं से आयातित लोग हैं और कहीं से क्या कहते हैं जिनका प्रयोग हो चुका है राजनीति में, ऐसे लोग हैं, उनके सापेक्ष मैं अपने आप को बहुत ही निरपेक्ष और विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ आम। तो ये आपने कब प्लान किया कि आपको राजनीति में उतरना है? परिवार में तो बहुत सारे लोग राजनीति में हैं। नहीं, ये प्लान मेरा शुरू से था और शायद इसीलिए मैं किसी खंडन का शिकार भी बना। लोगों को ये मालूम था कि ये नौकरी से रिटायर होने के बाद, प्रशासनिक सेवा के समाप्ति के बाद राजनीति में आएंगे और इसीलिए कहीं ना कहीं एक खंडन रह सकते मेरे खिलाफ एक साजिश की गई और मुझको नुकसान किया गया। कब से आप क्षेत्र में दौड़ रहे हैं? मैं जब से जेल से निकला उसके बाद से मैं लगातार आम आवाम के बीच में। तो आपको लग रहा है कि इस बार मुकाबला आपका बीजेपी से ही होगा? निश्चित रूप से। अब आपको ये एहसास होगा कि हो सकता है 1989 का इतिहास दोहराया जाए। वो जो पुराने लोग थे बाबूजी के साथ में जुड़े हुए थे, मिसेन जी के साथ में, क्या आपके साथ में है? निश्चित रूप से वो लोग हमारे साथ हैं, उनकी भावनाएं बाबूजी से जुड़ी है, वो बाबूजी के संघर्षों को जानते हैं और उन्हीं के तले, उन्हीं की पहचान के तले, उन्हीं की साया के तले, उन्हीं की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए, उनके संघर्षों को याद दिलाने के लिए, उनके आदर्शों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे अरविंद सिंह यादव जी से, आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।